अलन दरगाह शरीफ के ताल्लुक से असेंबली में क्वेश्चन को रेज किया गया था, जैसे उसको मैडम कनीस फातिमा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीकर हॉनरेबल स्पीकर के सामने आपने अपना मुतालबा रखा है। स्पीकर साहब ने तयखून दिया है मैडम कनीस फातिमा जी को कि इस पर जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता इसको वहीं पर रोका जाएगा, इसके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना मिलने की सूरत में कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलता है इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाएगा। और इसी सिलसिले में आज मैडम के साथ हम लोग दरगाह शरीफ से चंद जुम्मेदारान के हमरा यहाँ पर यशवी मैडम के पास पहुँचे, एक मेमोरेंडम उन्हें भी दिया गया है जिस पर मैडम यशवी मैडम ने कहा कि जहाँ तक होम मिनिस्टर से का ताल्लुक़ है हमें अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं, आने के बाद हम ज़रूर इस पर कार्रवाई पेपर की बुनियाद पर करेंगे। और इसके साथ साथ कमिश्नर साहब से सिटी गुलबर्गा के जो कमिश्नर हैं उनसे भी एमएलए मैडम वहाज बाबा मज़र आलम खान साहब और आदिल सुलेमान शेर साहब और हमारे साथी कमेटी के जिम्मेदारान सुदूर ओहदेदारान ने कमिश्नर साहब से भी यह मुतालबा किया कि इस पर गौर करें। खलील अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी दरगाह इंतजामी कमेटी, अलन शरीफ।